मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक चुके कंप्यूटर बाबा ने इंदौर में मंगलवार को जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से बुलाए संतों के साथ कंप्यूटर बाबा ने यहां सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। मन की बात कार्यक्रम में कंप्यूटर बाबा ने सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। इस आयोजन में प्रदेश के अलग अलग स्थानों से संत इंदौर पहुंचे। कार्यक्रम में भोपाल से आए संत नवीनानंद सरस्वती ने कहा कि जो मुख्यमंत्री नर्मदा की शपथ लेकर सत्ता में आए थे वही आज नर्मदा को बेच रहे हैं। ऐसे राजनेताओं को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। बहुत समय पहले कंप्यूटर बाबा जी की अध्यक्षता में नर्मदा के शुद्धिकरण के लिए बुधनी में आंदोलन किया था। वहाँ पर शिवराज सिंह उस समय मुख्यमंत्री भी थे और वहाँ का वो उनका विधानसभा क्षेत्र भी था। तुरंत में आकर के और शपथ लेकर के कहा था कि मैं नर्मदा शुद्धिकरण के लिए एक आयोग बनाऊंगा, उसमें संतों की भी निगरानी होगी और जहां कहीं नर्मदा प्रदूषित हो उसके लिए आप लोग हमको बताइए, हम वो पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद में कितनी बार भी कंप्यूटर बाबा जी कई महात्माओं को लेकर के शिवराज सरकार से मिलना चाहा कि हम अपनी बात बताएं, लेकिन ये धर्मनिष्ठ सरकार संतों से मिलना भी उचित नहीं समझा। कार्यक्रम में जब कंप्यूटर बाबा बोलने पहुंचे तो संतों की बात कहते हुए वह भावुक हो गए। बाबा ने कहा कि सरकार ने संतों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब वक्त बदलाव का है। नर्मदा के बारे में तो कुछ भाग उठाओ, हम सरल सीधे संत हैं, हमारी कुटिया उजाड़ रहे हैं। नर्मदा के प्रति कितना उदार, कितने कठोर, शिवराज सरकार ने 15 वर्ष तक कुछ नहीं किया। और नर्मदा मेरी मां है, 7.5 करोड़ जनता हमारी मध्य प्रदेश की है, उसकी जीवनदायिनी हमारी नर्मदा मां है। इसलिए नर्मदा के लिए तो कंप्यूटर बाबा नहीं, सारे संत अपनी जान निछावर कर देंगे, पर नर्मदा को कंप्यूटर बाबा ने इस आयोजन से सरकार को यह जता दिया कि इस विधानसभा चुनाव में उसे संतों का विरोध भारी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव पर मन की बात का कितना असर होता है। मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ जो संत हैं नाराजगी जताने के लिए एकजुट हुए हैं। इंदौर में कंप्यूटर बाबा ने आह्वान किया था मन की बात कार्यक्रम का और बड़ी संख्या में संत जो हैं इस वक्त कंप्यूटर बाबा के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों से संत यहाँ आए हैं और निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ जो मोर्चाबंदी संतों ने की है उसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। अपने सहयोगी प्रतीक सोलंकी के साथ राहुल तिवारी, टैलेंटेड इंडिया, इंदौर। आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।